केसीआर झूठ के ऊपर झूठ बोलते गया। केसीआर ने और उसके परिवार ने तेलंगाना को लूटा। यहाँ पर केसीआर लोगों को मिलता नहीं। कहाँ रहता है? फार्म हाउस में रहता है। कोई गरीब रहे तो नहीं मिलता। किसको मिलता है? पैसे वालों को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, वाइन माफिया को और माइनिंग माफिया को मिलता है। क्या हमारी गवर्नमेंट वहाँ है? क्या हमारे इलेक्शन कमीशन वहाँ है? सब तुम्हारी बात सुनने वाले लोग हैं, सब तुम्हारे साथ के लोग हैं। ये गलत है। वो होना बोल के ऐसे कर रहे हैं। आपके झंझट में नहीं जाना चाहिए। वो सब झूठ है। ऐसी महान महिला और मजबूत लीडर जो कही वो करके दी, लेकिन केसीआर झूठ के ऊपर झूठ बोलते गया। केसीआर ने और उसके परिवार ने तेलंगाना को लूटा और वो आरआर प्रोजेक्ट, धरनी प्रोजेक्ट, पोर्टल, पेपर लीक और कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट, इस गरीब दलित वंचित लोगों को जो उसने कहा दो हाउस दो रूम बेडरूम का देने का उन्होंने वायदा किया, ये सब जनता का पैसा उन्होंने चोरी किया। इन चार पांच प्रोजेक्ट में 2014 में तेलंगाना एक सरप्लस स्टेट था। इसके पास इस स्टेट में ज्यादा से ज्यादा पैसे थे, लेकिन आज इस तेलंगाना के ऊपर जो कर्जा है वो 5,60,000 करोड़ है। तो आप सोचिए, जो एक सरप्लस स्टेट था वो आज तेलंगाना कर्जदार बना है और 5,60,000 कर्जा उनके सर पे है और आपके सर पे, क्योंकि आपके नाम से उसने कर्जा उठाया 1,40,000 रुपए हर एक के सर पे ये कर्जा ठहरा है। बच्चों का स्कॉलरशिप, किसानों के सहायता, दलित बंधु स्कीम, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, गृहलक्ष्मी स्कीम, ये सब योजना पैसे की कमी होने के कारण अब बंद हो गए हैं और उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे केसीआर ये हमको कांग्रेस को गालियां देते हैं। जो इंदिरा गांधी ने इस देश को गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, उनको भी केसीआर गालियां देता है। सो इंद्रम्मा ने क्या किया बोलता? अरे इंद्रम्मा अगर नहीं होती तो बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं होता। इंद्रम्मा नहीं होती, राजा महाराजाओं की तनख्वाह अभी चालू रहती थी। और बड़े बड़े ऐसे दुराई जो लोग 1,000 एकड़, 2,000 एकड़, 10,000 एकड़ इनके पास जमीन थी, वो इंद्रम्मा ने वो कम करके 60,00,000 एकड़ उन्होंने इस गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किया। आप सोचिए, तेलंगाना आज मिला है, तेलंगाना स्टेट आज बना है, तो इसको कौन बनाए आप बोलिए? सोनिया गांधी ने सेपरेट स्टेट बनाकर आपको दिया और आपने सोनिया गांधी को भी आप नहीं देखते और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी आप गालियां देते। अरे जिन लोगों ने तुम्हारा पॉलिटिकल लाइफ बनाया, तुमको इतना बड़ा पद मिला, वो लोगों को आप गालियां देते हैं? जो लोग तुमको उठाए ऊपर, तुम तुम्हारे घर वाले सब सुखी समृद्ध बने और आप लोग
इंदिरा सोनिया गांधी का सपोर्ट लेके सोनिया गांधी को भी गालियां देते। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली और लाखों लोगों से जुड़ गए, हर एक से मिले, बुढ़ियाओं से मिले, बुढ़ी माता से मिले, बच्चों से मिले, टीचर से मिले, जर्नलिस्ट से मिले, सभी से मिले, मिलके कश्मीर पहुंचे। तो यहाँ पर केसीआर लोगों को मिलता नहीं, कहाँ रहता है? फार्म हाउस में रहता है। कोई गरीब रहे तो नहीं मिलता, किसको मिलता है? पैसे वालों को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, वाइन माफिया को और माइनिंग माफिया को मिलता है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, दो मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। एक जो है उन्होंने केसीआर पर, इलेक्शन कमीशन ने ये रईत बंधु पर रोक लगाया था, उसके मंत्री हरीश राव ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, केसीआर कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा था, यानी केसीआर कांग्रेस पर झूठा। भाई रईत बंधु से हमको मिलने वाला कांग्रेस ने रोका, अरे इलेक्शन कमीशन ने रोका तो तुम हमको कहते हो कांग्रेस ने रोका? क्या हमारी गवर्नमेंट वहां है? क्या हमारे इलेक्शन कमीशन वहां है? सब तुम्हारी बात सुनने वाले लोग हैं, सब तुम्हारे साथ के लोग हैं, और हमको ये बोलते हैं लोगों को भड़काने के लिए रईत बंधु जो कांग्रेस को मिलने वाला पैसा था, जो किसानों को मिलने वाला पैसा था, वो कांग्रेस ने रोका। ये गलत है, वो होना बोल के ऐसे कर रहे हैं। आप उस उनके झंझट में नहीं जाना चाहिए, वो सब झूठ है। कांग्रेस आपके साथ है, आपके दिलाने के लिए हर कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे।